मैथ्स पेडागोजी के इस पहले कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, इसीलिए हम अपनी मैथ्स पेडागोजी की शुरुआत करेंगे। साथ ही इससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे इसे हम पार्ट वाइज पढ़ते जाएंगे। चलिए, हमारा पहला यूनिट है गणित की प्रकृति। क्या होती है गणित की प्रकृति, क्या होता है गणित का नेचर, ये हम सबसे पहले समझेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की ओर जाएंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा रूल्स क्या है कि आप सिलेबस को अपने सामने रखिए। तो आपके सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहला यूनिट ही दिया हुआ है गणित की प्रकृति। ठीक है, तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। क्यों निश्चित होती है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो औरों से डिफरेंट होता है। इसका जो सिद्धांत होता है वो स्पष्ट होता है। गणित क्या करता है, गणित एक ऐसा विषय है जो बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करता है। और क्या करता है गणित, गणित बच्चों में आत्मविश्वास को भी उत्पन्न करता है। आप देखते होंगे कि जो बच्चा मैथ्स को सॉल्व कर लेता है उसमें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्हें क्या होता है, डाउट होता है कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हम निकाल पाएंगे कि नहीं एग्जाम, इस तरह की बातें उनके मन में या शंका देखने को मिलती है। तो गणित क्या करता है, बच्चों में आत्मविश्वास की भी भावना उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो गणित है ना, ये हमारे सभी विषयों से संबंधित है, चाहे आपका कला संस्कृति हो, चाहे आपका विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, कोई भी फील्ड हो, हमें गणित देखने को मिलता है। इसके अलावा गणित क्या करता है, जो गणित होता है वो हमारे डेली लाइफ से, हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित होता है। कैसे होता है, अगर आप खाना बना रहे हैं उस वक्त आप गणित का यूज करते हैं, अगर आप हिसाब किताब कर रहे हैं उस वक्त आप गणित का यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस वक्त भी आपको गणित देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या करते हैं, गणित आप में ना एक सोच उत्पन्न करते हैं, एक तर्क उत्पन्न करते हैं। तो गणित की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है। अगर गणित की और देखे जाए, स्वरूप की बात की जाए, उसके नेचर की बात की जाए, तो और क्या होता है, गणित ऐसा होता है जो हमें अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाता है। अब अमूर्त से मूर्त की ओर कैसे ले जाता है, जैसे कि आप कोई शेप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये आपने कोई शेप पढ़ा, ठीक है, ये आपका क्या है, सर्कल है। आपने मैथ्स में सर्कल के बारे में पढ़ा, अब क्या करेंगे आप, जब सर्कल के बारे में पढ़ते हैं तो जब भी आप कोई भी गोल चीजें देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि हाँ ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप सर्कल पढ़ते हैं तो चाहे आप बॉल देखें या लड्डू देखें तो ये आपको क्या दिखाई देता है, सर्कल के रूप में ये शेप दिखाई देता है। इसके अलावा आप और भी आकृतियां पढ़ते होंगे, जैसे आप टेबल देखते होंगे उसमें भी आपको एक शेप नजर आता है। ठीक है, और भी जो भी चीजें होती हैं आप उसके माध्यम से गणित को समझने का प्रयास करते हैं। गणित एक ऐसा विषय है, एक इसका स्वरूप ऐसा है ना कि आपको हर जगह इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। आप अपने दैनिक जीवन में प्रायः इसका उपयोग करते ही करते हैं, आपको पता नहीं होता है लेकिन आप गणित का उपयोग करते हैं। तो गणित अपने आप में क्या होता है, एक बहुत ही विशिष्ट होता है और व्यापक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गणित का जो प्रकृति है उसमें हमें क्या क्या हेडिंग्स देखने हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सामान्य भाषा कि गणित क्या होता है। हमने देखा कि गणित क्या होती है, अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाती है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, अमूर्त मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, और मूर्त जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आप बहुत सारी मैथ्स में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन आप मैथ्स में जो चीजें पढ़ते हैं उसके माध्यम से आप मूर्त की ओर जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है गणित, गणित जो होता है वो आगनात्मक भी होता है और निगनात्मक भी होता है। तो ये आपको गणित में देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार गणित की परिभाषा क्या मानते हैं जो मनोवैज्ञानिक है। देखिए, ये जो गैलीलियो साहब हैं, ये हमारे गैलीलियो जी हैं, ठीक है, इनका मानना है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। इनका मानना है कि आप मैथ्स का कंपेयर किसी से कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये मानते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं वो क्या किए हैं, संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को मैथ्स में ही इन्वॉल्व कर दिए हैं, सारी चीजें इसी में समाहित कर दिए हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आप जो भी डेली लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हैं, चाहे आप अब आगे समझेंगे, उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जाएगा, लेकिन आप इनकी भाषा अगर देखेंगे। अच्छा, यहां से क्वेश्चन भी आता है
कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, तो याद रखिएगा ये कौन है, आपके गैलीलियो साहब है। ठीक है, इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को रखा है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ये इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको दोनों में मिल जाएगा। देखिए इधर, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द होल वर्ल्ड और यूनिवर्स। वही बातें कर रहे हैं कि गैलीलियो के अनुसार जो हमारा गणित है उसको किसने, भगवान ने एक यूनिवर्स और ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड और जगत में समाहित कर दिया है या लिख दिया है। नेक्स्ट जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो है लॉक। लॉक का मानना है कि गणित वह मार्ग है, मतलब गणित एक ऐसा रास्ता है या ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में क्या होता है, या मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होती है, विकसित होती है या स्थापित होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित जो होता है ना वो आपको सोचने पे मजबूर करता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उस पर क्या करते हैं, तर्क करते हैं। अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो अगर आप उस पर दिमाग लगा रहे हैं तो उसमें किसका योगदान है, आपके गणित का योगदान है। तो गणित क्या करता है, आपके मस्तिष्क में तर्क करने की जो आदत होती है उसका विकास करता है। ठीक है, या स्थापित करता है। अब दूसरी चीज होती है, देखिए हमने तो देखा गणित का सामान्यतः परिभाषा देखा, उसके अलावा हमने जो दो मनोवैज्ञानिक थे जो महत्वपूर्ण हैं, यहां से सवाल आपके बनते हैं गैलीलियो के अनुसार और लॉक के अनुसार कि गणित की परिभाषा क्या होती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। गैलीलियो के अनुसार गणित क्या है, गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें हमारे ईश्वर ने क्या किया है, पूरे ब्रह्मांड और जगत में गणित को समाहित कर दिया है। और आपके जो लॉक है, लॉक का मानना है कि गणित एक ऐसा विषय है या मार्ग है जिसमें बच्चों में क्या होती है, तर्क की भावना उत्पन्न होती है या समझ विकसित होती है। चीजों को समझते चलेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। तो गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, अब आप देखिए, अब बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है डेली लाइफ या दैनिक जीवन। क्यों, क्योंकि वाकई में हमारे डेली लाइफ में हमारा गणित इन्वॉल्व है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको गणितीय तर्क देखने को मिल रहा है या गणितीय विचार देखने को मिल रहा है। कैसे, आप इमेज से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में मुझे चाय पत्ती डालना है, शक्कर डालना है, पानी की मात्रा क्या होगी, तो गणित क्या है, इसमें हम मात्रा, परिमाण, ठीक है, हमारा परिमाण होता है, मात्रा होता है, आपका मीटर, लीटर, आप सारी चीजें इसमें अध्ययन करते हैं। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप एक निश्चित मात्रा में इसका उपयोग कर रहे हैं कि कहीं ज्यादा अगर आप खाद वगैरह यूज कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। यहां पर एक वेट, वजन, ठीक है, भार, ये सब क्या है, भार भी है, आपके गणित से संबंधित है। तो यहां पर भार आपको देखने को मिल रहा है कि एक निश्चित, एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकते ये, क्योंकि ये इनके कह सकते हैं कैपेसिटी से बाहर होगा। तो ये एक निश्चित भार को अपने ऊपर लिए हुए हैं, तो यहां हमें गणित देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, यहां पर जो लोग खुदाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहां पर भी हमें गणित देखने को मिल रहा है कि कितनी गहराई तक हमें क्या करना है, खुदाई करना है। ठीक है, ये जमीन को क्या कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं। अगर आप किराने दुकान में है, जो भी हिसाब किताब हो रहा है वो किसके माध्यम से, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किसमें होता है, आपके गणित में ही होता है। आप काउंट कर रहे हैं कितना हुआ है, कितना आना चाहिए, ये सब आप काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका गणित में देखने को मिलता है। दूसरी चीज, लीटर, इस बॉक्स में कितना लीटर दूध आएगा, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो गिर जाएगा। तो ये सब क्या है, आप डेली लाइफ में गणित को जी रहे हैं, मैथ्स को जी रहे हैं, उसके स्वरूप को समझ रहे हैं। आप देखिए, डेली लाइफ में आपका गणित तो यूज हो रहा है लेकिन आपको अंदाजा नहीं है। तो ये सब क्या है, आपके गणितीय विचार को ही तो उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर देखिए, ये सब इंजीनियर्स है जो काम कर रहे हैं, ये भी एक
क्या कर रहे हैं, एक निश्चित, जहां पर निश्चित वर्ड आए ना वो मैथ्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि जो हमारा मैथ्स होता है ना वो निश्चित और स्पष्ट होता है। तो यहां पर भी मैथ्स का काम हो रहा है। बिना मैथ्स के क्या ये लोग प्रॉपर एक डिजाइन कर सकते हैं कि कितना छड़ लगेगा, कितना मिट्टी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ऊंचाई कितनी होगी और बेस कितना गहरा होगा? तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? आपके गणितीय तार्किक क्षमता के द्वारा हो रहा है, गणितीय सोच के द्वारा हो रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? आपके विचार पैदा कर रहे हैं। कौन सा विचार? आपका गणितीय विचार। दूसरी चीज, अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो आप भी बहुत सारे डिस्कशन करते होंगे जिसमें हमें गणित देखने को मिलता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? आपके गणितीय विचार को उत्पन्न कर रहे हैं। अब गणित की क्वालिटीज की बात की जाए, गणित का स्वरूप, तो गणित का स्वरूप कैसा होता है? मैंने आपको बताया कि गणित में अमूर्तता और मूर्तता, मतलब दृश्यता, हमें गणित में अमूर्तता और दृश्यता दोनों देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? अब आप देखिए कि आपने मैथ्स में ट्रायंगल को पढ़ा, ठीक है, ये क्या है? आपका अमूर्त है। आप नहीं जानते, आपने कभी नहीं देखा। आप मान लीजिए कि कभी आपने ट्रायंगल नाम की कोई चीज देखी है, आप नहीं जानते, लेकिन जब आप मैथ्स में क्या करते हैं, ट्रायंगल त्रिकोण के बारे में पढ़ते हैं, अच्छा त्रिकोण का शेप ऐसा होता है, अच्छा त्रिकोण ऐसा होता है, तो आप जब भी त्रिकोण से रिलेटेड शेप देखेंगे तो आपको किसका याद आएगा? आपका ट्रायंगल का याद आएगा। आप जब समोसा खाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि ये क्या है, एक प्रकार का ट्रायंगल शेप में है। दूसरी चीज ये कि जब आप क्या करते हैं, पिरामिड वगैरह देखेंगे, तब भी आपके मन में क्या आएगा कि ये ट्रायंगल शेप में है। तो ये क्या कर रहा है? हमारा गणित अमूर्त से हमें मूर्त की ओर ले जा रहा है, या हमें अमूर्त के माध्यम से हमारे मूर्त चीजों का क्या कर रहा है, अध्ययन करा रहा है, हमें स्पष्ट करा रहा है, हमारे जो डेली लाइफ में चीजों को समझने में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। तो पहली क्वालिटी क्या हो गई? गणित में अमूर्तता और मूर्तता दोनों शामिल है। दूसरा देखेंगे, दूसरी विशेषता है, एक ये भी एग्जाम्पल कि गणित क्या है। आपने देखा कि ये सर्कल है, सर्कल के माध्यम से आपने क्या समझा, आप जितनी भी गोल चीजें देखेंगे आपको आपको क्लियर होगा कि ये सर्कल है। अगर आपसे तुरंत पूछ दिया कि जाए कि ये लड्डू किस शेप में है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि ये हमारा क्या है, सर्कल है। इससे आप एक ये भी समझ सकते हैं कि जो गणित होता है वो विशिष्ट से व्यापक की ओर ले जाता है हमें। अब कैसे विशिष्ट से व्यापक की ओर? अब मान लीजिए आपने पढ़ा ये शेप, ठीक है, सर्कल के बारे में आपने देखा, सर्कल कैसा होता है, आपने देखा इस तरह का होता है, ये क्या हो गई, एक विशिष्ट परिभाषा हो गई आपके सर्कल की, सर्कल इस तरह होता है। अब आप इस सर्कल के माध्यम से किसकी ओर जा रहे हैं, व्यापक की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब एक छोटे से एक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, अपने ज्ञान को व्याप्त कर रहे हैं, व्यापक कर रहे हैं या उसका व्यापीकरण कर रहे हैं। अब देखिए कैसे, आपने शेप के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने शेप के बारे में पढ़ा, उसके बाद जब आप शेप देखे, अच्छा शेप ऐसा होता है, हमारा जो सर्कल होता है उसका शेप ऐसा होता है, गोल होता है, तो आपको दुनिया में फिर क्या होगी, धीरे से फिर आप क्या देखेंगे, लड्डू देखेंगे, तुरंत होगा अच्छा कि ये लड्डू जो होता है वो गोल होता है। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा आपका जो सोच होगा व्यापक होगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। जब एक बालक होता है ना, वो अपनी उम्र के हिसाब से उसका क्या होता है, मानसिक विकास होता है। तो जब बच्चा शेप के बारे में पढ़ता है, अपने सर्कल के बारे में पढ़ता है, तो धीरे धीरे उसका मानसिक विकास सर्कल के बारे में होता है, उसका जो सोच होता है उसमें क्या होती है, व्यापीकरण होती है। कैसे होती है, देखिए पहले बच्चा क्या करता है, लड्डू देखता है तो समझता है कि अच्छा लड्डू हमारा क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो आगे बढ़ता है, वो ग्लोब देखता है, जब वो ग्लोब देखता है तो उसके फिर उसका सोच में क्या होता है, व्यापीकरण देखने को मिलता है। फिर क्या करता है, वो और भी सर्कल वाली चीजें देखता है, या टंकी देखता है, या कुआं देखता है, तो उसके सोच में क्या देखने को मिल रही है, व्यापीकरण, मतलब विशिष्ट से व्यापीकरण। आपका सर्कल जो था एक विशिष्ट रूप में था, लेकिन सर्कल के माध्यम से वो जितनी भी इस दुनिया में गोल चीजें हैं उनको वो समझ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उसके सोच में व्यापीकरण हो रहा है। तो मैथ्स की दूसरी क्वालिटी क्या है, कि ये विशिष्ट से व्यापीकरण की ओर ले जाने में हमारी क्या करता है, पूर्णता मदद करता है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कि जो मैथ्स होता है वो अमूर्त के माध्यम से हमें मूर्त चीजों को समझने में भी हमारी मदद करता है। और क्या है गणित की प्रकृति, गणित का नेचर क्या है, गणित स्पष्ट और निश्चित होता है, ठीक है, ये क्लियर और
मतलब इसको डिफाइन पहले से किया जाता है, इसमें कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता है। आप देखते होंगे, आप दो का जब पहाड़ा देखते होंगे या टेबल देखते होंगे तो 2 × 2 = 4 ही होगा, 2 × 2 आपका 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पहले से फिक्स्ड है। तो गणित की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि स्पष्ट और निश्चित होता है। इसके जो फॉर्मूला होते हैं वो सभी भी क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। इन फॉर्मूला के जरिए ही, इन सूत्रों के द्वारा ही आप क्या करते हैं, चीजों में क्या करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला होते हैं ना, ये पहले से फिक्स्ड होते हैं, निश्चित होते हैं और क्लियर होते हैं। तो हमारे गणित की तीसरी क्वालिटी क्या हो गई, ये स्पष्ट और निश्चित होता है। ठीक है, गणित चौथी क्वालिटी क्या है, गणित अवलोकन के बजाय तर्क पर निर्भर करता है। आपका ये जो गणित होता है ना, वो बाकी विषयों से अलग होता है। इसमें ना तर्क की को ही सबसे ज्यादा मान्यता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो गणित होता है वो निश्चित होता है और स्पष्ट होता है, इसमें किसी भी तरह का मन मर्जी टाइप का हेर फेर नहीं किया जा सकता। दूसरी जो क्वालिटी है, गणित हमें वास्तविक दुनिया से जोड़ता है और हमें दुनिया को समझने में क्या करता है, मदद करता है। कैसे मदद करता है, देखिए, गणित हमें वास्तविक दुनिया से जोड़ता है और हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। कैसे, देखिएगा, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, ये क्या कर रहे हैं आप डेली लाइफ में, ये जो चीजें कर रही है ना, यही इसी की बात कर रहे हैं। जो गणित ने अभी डेफिनेशन दिया कि ये हमें वास्तविक दुनिया से जोड़ता है, तो ये हम अपने वास्तविक दुनिया से ही तो जोड़ रहे हैं। किनके माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से। इन सब कार्यों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, गणित का नेचर देखने को मिल रहा है, गणित का स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये सब किचन में काम करना, खेत में काम करना, यहाँ काम करना, ये सब क्या है आपका, मजदूरी करना, हर जगह कुल मिलाकर खाना बनाने से लेकर फैक्ट्री में काम करने से लेके हॉस्पिटल, आपके समाज, आपका जो प्रशासन है, आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आपकी बड़ी बड़ी जो कंपनी है, वहां हर जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, गणित का स्वरूप देखने को मिल रहा है। और इन्हीं के माध्यम से हमारा जो गणितीय विचार है उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और क्या है गणित की क्वालिटी, गणित की क्वालिटी ये है कि गणित संख्याओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गणित होता है ना, वो बाकी विषयों से भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जितने भी विषय है ना किसी रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा गणित है वो बाकी विषयों से भी क्या है, जुड़ा हुआ है। जो ये सभी विषय होते हैं ना, वो एक फूड चैन की तरह होते हैं, जो एक दूसरे के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। तो ये हमारे मैथ्स में भी ये क्वालिटी होती है कि ये भी क्या है, एक फूड चैन की तरह बाकी विषयों से, बाकी सब्जेक्ट से क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। गणित आपके संख्याओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गणित बहुत ही विशाल है। और इसमें बीजगणित, प्रायिकता, आपका बीजगणित क्या है, आपका ये आपका बीजगणित है, ये आपका प्रायिकता है, और क्या है आपका समरूपता, ये आपका समरूपता है, ये आपका ज्यामिति है, और ये आपका त्रिकोणमिति है। तो ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि गणित सिर्फ आपके संख्याओं से, अगर हम गणित की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, संख्या की बात आती है, लेकिन नहीं, हमारा गणित ना बाकी विषयों से जुड़ा है। मतलब हमारा गणित व्यापक है, उसका जो रूप है वो क्या है, विशाल है। तभी तो मनोवैज्ञानिक जो गैलीलियो जी हैं, उन्होंने गणित को क्या कहा है, गणित को ये कहा है कि ईश्वर ने गणित में क्या कर दिया है, सारी चीजों को समाहित कर दिया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, ये क्या हो गया, तो क्लियर हुआ कि जो हमारा गणित होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ आपके संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो स्वरूप है वो बहुत ज्यादा व्यापक है और विस्तार पूर्वक है। दूसरी क्वालिटी क्या है गणित की, दूसरी क्वालिटी ये है कि गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होती है, विकसित होती है या स्थापित होती है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो गणित होता है ना, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि ये
सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये थ्योरी बेस्ड नहीं होता कि आपको आंसर पहले से दे दिया जाए। आप देखते होंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है तो आप उसके एंड तक पहुंचते हैं, सोल्यूशन तक, और वो सोल्यूशन कौन निकालता है? आप स्वयं निकालते हैं। तो ये क्या होता है? तर्क करने, मतलब सोचने पे मजबूर करता है। इसमें आंसर आपको पहले से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई भी क्या करना है, किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना है, तो आप खुद से ही तर्क करेंगे। आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसे सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी विषयों में क्या होता है कि आपको उत्तर दे दिया जाता है, थ्योरी होता है उसमें हर चीज। दर्शन जो है वो अपने आप में थोड़ा अलग विषय है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग बातें मानते हैं। साइंस का भी एक अलग रोल है, आपका जो सोशल साइंस है उसका अलग रोल है, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी विषय क्या है, अपने आप में विशिष्ट है। लेकिन मैथ्स जो है ना वो एकदम फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है और स्पष्ट होता है। इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको स्पष्ट विषयों का क्या कहा गया है, दाता कहा गया है, या स्पष्ट विषयों का कह सकते हैं मॉनिटर कहा गया है। किसको? आपके गणित को। इसके अलावा क्या होता है कि जो गणित होता है वो क्या करता है, मस्तिष्क में तर्क करता है, ये हमने देखा। तो मस्तिष्क में तर्क कैसे करता है कि जब आपको कोई सवाल दे दिया जाए तो आपको उसके आंसर तक स्वयं ही पहुंचना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसके जरिए आप में खोजने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। गणित का नेक्स्ट जो नेचर है वो क्या है, गणित का ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। दर्शन ऐसा विषय है जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो विशेषज्ञ उनका मत अलग अलग है, वो अलग मानते हैं। लेकिन जो हमारा गणित होता है ना वो क्या होता है, इसका आधार निश्चित होता है। आपका 2 × 2 आपका 4 ही होगा। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इसको भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी निश्चित है। आप बेवजह इसको क्या नहीं कर सकते, सॉरी यहां पर 9 आएगा, तो 3 × 3 आपका 9 ही होगा, तो आप 3 × 3 को 12 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गणित निश्चित होता है, इसलिए इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। अब चलिए, हमने जो था गणित के नेचर का एक इंट्रोडक्शन देखा, अब इससे जो सवाल बन सकते हैं वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गणित का जनक किसे कहा जाता है। आपका ना गणित की जहां बात है वहां पर जनक से सवाल आते हैं, तो आपके सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि गणित का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गणित का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में किसे कहा जाता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में आर्यभट्ट को कहा जाता है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम गणित का जनक माने तो वो जो जनक है वो हमारे आर्किमिडीज जी हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो कौन है, आपके गैलीलियो हैं। तो आंसर नंबर क्या होगा, आपका सी होगा। वायगोत्स्की क्या है, वायगोत्स्की आपके सामाजिक, जहां आप तत्वों को पढ़ते हैं वहां पर इनका नाम आता है। चॉम्स्की लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे का एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके लिए जाना जाता है। बच्चे कौन, आपके गैलीलियो। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक लीलावती गणित के किस क्षेत्र से क्या रखती है, संबंध रखती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, और आगे भी हम क्वेश्चन का पूरा सीरीज करते जाएंगे। तो कौन है गणित, पुस्तक लीलावती गणित के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपके गणित, अंक गणित से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और अगर हम क्या करें, अगर हम इसके क्या किए जाए, इस गणित पुस्तक को लिखा किसने है, तो इसका इस किताब को, लीलावती को किसने लिखा है, आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कर द्वितीय ने लिखा है। तो पुस्तक के जो जनक है वो आपके भास्कर जी हैं, और ये पुस्तक किस क्षेत्र से संबंध रखती है, तो आपके अंकगणित से संबंध रखती है। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, तो ये सही है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, नहीं,
हमने देखा था कि गणित जो है वो हमारा संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो हमारा गणित है वो क्या है, विस्तार पूर्वक समझने वाली चीजों का एक इकाई है, या कह सकते हैं आप यूनिट है। तो गणित क्या है, हमारे संख्याओं तक ही सीमित नहीं है। तो ये नहीं है पूछा है, तो संभावना है कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन अभी हम संभावना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अभी सी और डी नहीं देखे हैं। गणित में अमूर्तीकरण और क्या है, दृष्टिकरण। यहाँ पर मानस दर्शन का मतलब क्या है, मानस दर्शन हो या दृष्टिकरण हो या आपका मूर्त हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है, तो ये भी सही है, और यहां पर गलत पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, यह आपके सांस्कृतिक मूल्य से भी संबंधित है, आपके अनुशासन से भी संबंधित है, सामाजिक से भी संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्न में से कौन सी एक प्रभावी गणित पाठ योजना है, उसकी विशेषता नहीं है। अगर आप कक्षा में हैं, आपका शिक्षक कोई योजना बना रहा है, तो उसमें से कौन सी जो योजना होगी वो गणित पाठ की विशेषता नहीं है। तो गणित क्या होता है, स्पष्ट और मापनीय अधिगम उद्देश्य, ये तो सही है बिल्कुल। सभी विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करना चाहिए, अनुदेशात्मक रणनीतियां अपनानी चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बालक के समझने की, तर्क करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के अनुदेशनात्मक रणनीतियां अपनानी चाहिए। छात्र सहयोग या चर्चा के लिए कोई अवसर नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप एक डिसिप्लिन के नाम पर क्या कर रहे हैं, छात्रों को रोक रहे हैं, उन्हें आप आपस में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। चर्चा के माध्यम से बच्चा क्या करता है, चीजों को नेचुरल वे पे सीखता है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता तो बिल्कुल नहीं होगा कि बच्चों को हम चर्चा ना करने दें। चौथा है, अधिगम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों का उपयुक्त उपयोग, ये भी सही है, तो आपका विशेषता नहीं है, इसलिए आंसर नंबर तीन होगा। युवा शिक्षार्थियों को, ठीक है, कोई स्कूल है वहां पर युवा शिक्षार्थी है, मतलब आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था है, या किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की है, जो बच्चे क्या हो चुके हैं, युवा हो चुके हैं, उनकी बात कर रहा है कि अगर आपको उनको गणित पढ़ाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है, नहीं है पूछा है। हेरा फेरी और व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग करना बिल्कुल सही है, क्योंकि हेरा फेरी में क्या होता है कि इसमें बच्चा स्वतंत्र होता है कुछ भी कार्य को करने के लिए, अपने मन से कुछ भी करने के लिए। कैसे, अब आपसे कोई सवाल कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप स्वतंत्र हो, आप कैसे भी करके इधर उधर से, अगर बच्चा कैसे भी करके इधर उधर से कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हेरा फेरी। व्यवहारिक तो हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो बिल्कुल ये आंसर जो है नहीं है पूछा, तो ये आपका क्या होगा, ये आंसर तो नहीं होगा। अगर पूछता सही है तो सही के लिए ये ऑप्शन बेस्ट होता। छात्र सहयोग और चर्चा के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल, अगर छात्र को आप जितना ज्यादा सहयोग और चर्चा के लिए स्वतंत्रता देंगे, बच्चे उतना ही अच्छे से चीजों को सीखेंगे। तथ्यों और प्रक्रियाओं को रटने पर पूरी तरह ध्यान देना, बिल्कुल, मैथ सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के खिलाफ है तो रटंट विद्या पे, वो रटने पर क्या करता है, सख्त मना करता है, तो यहां पर आपका नहीं है पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, क्योंकि आपका ए और बी जो है वो सर्वोत्तम अभ्यास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।